Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। सोमवार रात 5 डॉक्टरों के पैनल ने मूसेवाला के मृत शरीर का पीएम किया। हालांकि रिपोर्ट को अब तक पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि अत्याधुनिक बंदूकों से निकली 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर के आर पार हो गई थी, जबकि एक सिर की हड्डी में जहाँ फंसी थी। हमलावरों ने करीब 30 राउंड फायरिंग किए थे। मनसा जिला अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान मूसेवाला के शरीर पर 2 दर्जन गोलियों के घाव मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक अत्याधुनिक खून बहने से उनकी मौत हो गई, वहीं आंतरिक अंगों में चोटों की भी पुष्टि हुई है। बताया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद मिश्रा के नमूने सुरक्षित रख लिए गए हैं और आगे की जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल ने पोस्टमार्टम के नतीजों को पुलिस के साथ शेयर नहीं किया है। मृतक सिद्धू मूसेवाला का परिवार पोस्टमार्टम न कराने की जिद पर अड़ा हुआ था। परिवार मांग कर रहा था कि हत्याकांड की जाँच हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में कराई जाए और उसके लिए NIA CBI की मदद भी लिया जाए। परिजनों ने सवाल उठाया कि जब खतरे की आशंका थी तो सुरक्षा हटाने की लिस्ट को क्यों सार्वजनिक किया गया था। इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई किया जाए। हालांकि बाद में समझाइश और आश्वासन के बाद परिवार मृतक के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया था। बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या की जाँच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने सोमवार को ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में उत्तराखंड की 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। 5 उत्तराखंड के चमोली जिले में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जा रहे थे। मुखबिर से इनपुट मिलने के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इसकी मूसेवाला हत्याकांड में क्या भूमिका थी। बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने 28 साल के मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक दिन पहले यानी शनिवार को मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती की थी और दूसरे दिन ही यह बड़ी घटना घट गई है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.